इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो बंगाल में बम और बंदूक के शोर के बीच बंपर वोटिंग का दौर भी जारी है। लेटेस्ट अपडेट क्या है, कहां कहां कितने फीसद मतदान हुआ है, वो आपको बताते हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अब तक 57.31% मतदान चौथे चरण में आज के दौर में आज जो वोटिंग चल रही है 57.31% मतदान अब तक हो चुका है। कहां कहां कितनी भी वोटिंग हुई है वो भी आपको दिखाते हैं। उत्तरी दिनाजपुर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। 60% से वो ज्यादा वोटिंग उत्तरी दिनाजपुर में हो चुकी है। 60.55% वोट अब तक उत्तरी दिनाजपुर में पड़ चुके हैं। अब नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर आपके सामने है। 51.90% वोट अब तक पड़े हैं, मतलब करीब 52% वोट उत्तर नॉर्थ 24 परगना में भी पड़ चुके हैं। अभी कई घंटे की वोटिंग बाकी है, यानी पश्चिम बंगाल में इस दौर में भी अच्छी वोटिंग हो रही है। नादिया में भी अब तक 59% वोट पड़ चुके हैं। और बर्धमान की तस्वीर अब आपके सामने, 62.72%, करीब 63% मतदान बर्धमान में हो चुका है। बंगाल के फर्स्ट टाइम वोटर्स वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पहली बार वोट डाल रहे वोटर्स के मन में क्या चल रहा है? फर्स्ट टाइम वोटर दीदी के साथ हैं या फिर मोदी के साथ? आपको नॉर्थ 24 परगना के नौहाटी से इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं नोईघाटी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। यहाँ के एक पोलिंग बूथ के बाहर आप देखिए लंबी कतार लगी है, लोगों की पोलिंग हो रही है। और यहाँ पर बीजेपी की ओर से फाल्गुनी पात्रा मैदान में है और टीम सिने अपने पिछली बार यानी 2016 में जिन्होंने यहाँ से पार्थ भौमिक ने जीत हासिल की थी उनको एक बार फिर से मैदान में उतारा है। लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं कि क्या उनके दिमाग में जब वोट करने वो पहुंचे हैं। युवा भी हमें काफी नजर आ रहे हैं। आपका नाम? शोभिक अधिकारी। शोभिक की भाप छो, मैंने क्या सोच रहे हो? अभी फर्स्ट वोट है, देते हैं। हाँ। तो कैंडिडेट देख रहे हो, पार्टी देख रहे हो? हम तो कैंडिडेट देख रहे हैं। कैंडिडेट देख रहे हो? अच्छा, तो कैंडिडेट को देखते हो तो क्या लगता है कि परिवर्तन दिमाग में है या विकास है, क्या है? परिवर्तन तो अवश्य ही चाहिए। दादा आपका नाम? मैं अनिल विशेष। अच्छा, क्या सोच रहे हैं आप, परिवर्तन सोच रहे हैं, विकास सोच रहे हैं? कैंडिडेट दिखता है, कैंडिडेट दिखता है। कैंडिडेट को देख के क्या लगता है कि परिवर्तन चाहते हैं या कि जो है ठीक है? देखा है तो एक बार देखा है, देखा है और नितिन जो आएगा वो उसको देखेगा। दादा आपने तो कई वोट देखे, इस बार टक्कर किसके बीच में है यहाँ पर? देखिए हम तो सोचते हैं कि आपका नाम क्या? हमारा नाम बापी है। अच्छा, बापी दा क्या लग रहा है, टक्कर है? हाँ, टक्कर तो है ही है। हम चाहते परिवर्तन आए, कुछ बने, तरक्की हो देश। बिल्कुल। और यहाँ पर फाइट किसके बीच में है ज्यादातर? तीन पार्टी है कि दो लोगों की? नहीं, तीन पार्टी है। अच्छा, एक तो सीपीएन चल रहा है, एक तो टीएमसी, एक तो बीजेपी। अच्छा, टीएमसी है मैदान में? या हाँ। लग रहा है बीजेपी और? नहीं, टीएमसी चल रहा है। टीएमसी चल रहा है, दीदी चल रहा है, चलेगा। हाँ भाई, युवा वोटर यंग वोटर की बोल से? हाँ, परिवर्तन तो अवश्य दरकार, परिवर्तन चाहिए। ना घुरा ले बुझबो की करे के रखो। ये बढ़िया बोला ना, जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। दादा नमस्कार। परिवर्तन दरकार है, ना घुरा ले या की सेटा बुझबो की परिवर्तन की जरूरत है, अगर नहीं घुमाएंगे तो कैसे होगा। तो यहां पर महिला युवा वोटर्स भी हैं। नमस्कार। फर्स्ट टाइम वोटर? हां, फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये बताइए फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या देख रहे हैं, कैंडिडेट, पार्टी, इश्यूज हैं कुछ दिमाग में वोट देने के लिए? हाँ, इश्यूज तो बहुत सारे परिवर्तन है। इस फिलहाल तो जो चल रहा है सही चल रहा है। आपका नाम? मोमिता। अच्छा मोमिता, आप युवा वोटर्स हैं, क्या सोच रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं, कैंडिडेट देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? पार्टी देख रहे हैं। पार्टी देख रहे हैं जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि युवाओं को परिवर्तन चाहिए जो ठीक है? होना चाहिए परिवर्तन। वर्धमान में बंगाल से हर फेज में हिंसा और बवाल की खबरें आती हैं, लेकिन इस बार कुछ पॉजिटिव तस्वीरें भी आई हैं, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।